नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, मैं निकल चुका हूँ। इस बार मैंने ले लिया ई रिक्शा, ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है यहाँ पे इससे घूमने, और प्लस लोकेशन इनको ज़्यादा बेटर पता है तो ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे। गर्मी तो पड़ रही है विकट। ये हैं ओरछा की स्ट्रीट्स। अभी पीछे मैंने एक बंदे से चेंज मांगा तो बोलता भैया पानी तो ले लो, कोल्ड ड्रिंक तो ले लो, फिर मैं तभी चेंज दूंगा। मैंने गजब बदमाश आदमी है यार, तो उसके बिना दे ही नहीं रहता चेंज। एटीएम ढूंढ रहा है, एटीएम मिल नहीं रहा यार। एटीएम इधर है, एटीएम मिल गया, एटीएम ओ राइट। गाइस ये है राम मंदिर की एंट्री, एंट्री पॉइंट है ये। यहाँ से प्रसाद लेंगी, कहाँ से लेना है प्रसाद? प्रसाद अंदर से मिलता है। तो गाइज इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है अब, तो अब मैं इसके आगे आपको दिखा नहीं पाऊँगा। चलो बाय गाइज। मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से हो गए। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रेकमेंड किया था कि वीआईपी वाले लेना, तो मैंने वही लिए। 250 पर पर्सन था, एकदम आपको सामने ले जाते हैं, आपको थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फील भी आएगा, बढ़िया है वो ट्राई, वो बढ़िया रहेगा। मतलब वो वाला ले, पास वाला जो रहता है वीआईपी। अब मैं ये महल में जा रहा हूँ, ये राजा महल कहलाता है, बढ़िया। देख रहे क्या एंट्रेंस है ब्रो, सीधार पार। ये मेरे ख्याल से घिस के इन लोग ने फ्लैट आउट कर दिए, पहले पॉइंटेड रहे होंगे। ये यहाँ के गार्ड डॉग्स, ये है महल के अंदर का। टाइम कम है इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो ब्लॉग यहीं तक दिखाऊंगा, बाकी बहुत सही है।
तो गाइज चेकआउट कर लिया मैंने यहाँ से, बहुत ही अच्छा स्टे था यहाँ पे, MPT बेतवा ओरछा में, जस्ट सामने ही रिवर है वहाँ पे, बहुत बढ़िया स्टे था, एकदम जंगलों के बीच में था, और जंगल में मतलब लॉन काफ़ी अच्छा था इनका। मिस करूँगा ये प्लेस को, बहुत मस्त जगह थी ये। चलो निकला जाए। ओके ये जा रहे हैं हम लोग अंदर कल्पवृक्ष के लिए, ये यहाँ से आप कार इजीली ले जा सकते हैं, बहुत ही प्यारी सड़कें हैं यहाँ। अच्छा यहाँ से एकदम चकाचक रोड है, बढ़िया। बोर्ड लगा हुआ है, सीधे दीवार के आर पार जाना पड़ेगा आपको कल्पवृक्ष के लिए। कल्पवृक्ष गाइस देख सकते हैं आप, क्या शानदार लग रहा है। तो गाइस मिल गया कल्पवृक्ष है, लेकिन इसमें मेरे को कहीं एंट्री नहीं मिल रही है अंदर जाने के लिए। हम लोग गाइस लक्ष्मी नारायण मंदिर, आफ्टर सर्चिंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 आवर फाइनली मंदिर मिल गया। तो गाइज ये लक्ष्मी मंदिर से ऐसा कुछ व्यू दिखता है, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ से, वो देखिए पूरा ओरछा दिख रहा है ऑलमोस्ट यहाँ से, वो राम मंदिर है वो बीच में जो दिख रहा है, तीन गुम्बद, बहुत बढ़िया। गाइस पता नहीं गूगल मैप ने कौन से रास्ते में गाड़ी डलवा दी, ऐसी दुबला पतला रास्ता है। गूगल मैप एज यूजुअल पता नहीं कहाँ गली कूचों में डलवा दिया है हाईवे के नाम पे, यहाँ पे ये पतली पतली रोड है, पता नहीं कैसे पहुँचेंगे 9:30 बजे घर, ख़त्म ही नहीं हो रही यार ये रोड है। ये क्या जंगल ही जंगल चल रहा है तो मस्त रोड वैसे ही, मज़ा फुल आ रहा है, लेकिन
40 के ऊपर। फाइनली कुछ गाड़ियां दिखना चालू हुई अब। सागर 183, ये कई जंगलों से निकल के बाहर आ गए हैं हम लोग। कौन सा हाईवे है? अरे मम्मी तो वही हाईवे, दिल्ली वाले हाईवे में आ गए अपन। ये आ गए भाई दिल्ली वाले, अब जबलपुर का हाईवे आ गया, फटाफट पहुंचेंगे अब जबलपुर। तो गाइस पेट्रोल डलवाने आ रुका था मैं जियो के पेट्रोल पंप। ये गाड़ी है, यहाँ वॉशरूम भी अच्छा क्लीन था, आप ये यूज़ कर सकते हो, बढ़िया था ये। अब लोकेशन मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। ये जो पेट्रोल पंप था ये तालभेट के पास था, तो यहाँ से आप लोग पेट्रोल रिफिल करा सकते हैं और वॉशरूम भी बहुत क्लीन था तो उसको यूज़ कर सकते। बैक वाटर से जो रोड दिल्ली को कनेक्ट करता है वो वाला हाईवे है, इसमें ना बहुत ज़्यादा पैच वर्क है, ये बार बार गाड़ी ना इसमें सेडान या फिर आपके पास कोई हैचबैक होगी तो उसमें ना बहुत ज़्यादा गाड़ी हिलती है। बाकी एसयूवी है तो कोई बात नहीं, भगाते हुए चलो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ये बार बार पैच वर्क ही पैच वर्क। अभी डेस्टिनेशन बस 215 किलोमीटर रह गए 9:07 पर, देखते हैं बाकी कितने देर में पहुंचता है। सागर आने ही वाला है बस थोड़ी देर में, लगता है यहाँ पे नया फ्लाईओवर बन रहा है, बढ़िया फ्लाईओवर बनने वाला है यहाँ पे एकदम। हाईवे खत्म हो गया है, अब ना यहाँ से हम स्टेट हाईवे ले लेंगे। अब मेरे को लग तो रहा है स्टेट हाईवे की रोड इस बार इन लोग ने बना दी है, क्योंकि लास्ट टाइम बन रही थी, शायद इस बार बन गई है पूरी, मजा आ जाएगा। वाह बढ़िया रोड हो गई लगता है। बस अब यहाँ से थोड़ी दूर पर 5.8 किलोमीटर पे टर्न आएगा जंगल वाला। जंगल रिजर्व में घुस चुके हैं अब हम लोग। अंधेरा हो चुका है, 7:39 हो गए हैं भाई, अब 72 किलोमीटर ओनली रह गया, 1:28 रह गया। और मेरा लाइट टेस्ट देखो, अभी डिपर है, अब देखना अपर। पानी आने वाला है लग रहा है, बूंदा बांदी पड़ रही है, होपफुली अच्छी बारिश हो जाए जबलपुर पहुंचते ही, तो मजा ही मजा।